आउट देयर, मैं हूँ श्वेता और स्वागत है आपका मेरे चैनल टिप टॉप लेडी में, जहाँ हम बात करते हैं फैशन और लाइफस्टाइल की एक ब्यूटीफुल दुनिया के बारे में। तो गाइज, आज का वीडियो होने वाला है स्पेशली फॉर द बिगिनर्स हु हैव जस्ट स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग मेकअप, या फिर ब्राइड्स टू बी जिनकी इन नियर फ्यूचर शादी होने वाली है। तो गाइज, जब मेरी शादी होने वाली थी तो आई वॉज जस्ट अ काजल एंड अ लिप ग्लॉस गर्ल। मुझे इतना मेकअप के बारे में नॉलेज नहीं थी, पर मेरा बहुत शौक था कि मैं मेकअप के बारे में जानूं। और जैसे जैसे शादी पास आती गई, मुझे एक एडिक्शन सी होगी मेकअप के बारे में जानने की, मेकअप की टेक्निक्स को सीखने की, एक फ्लॉलेस मेकअप लुक पाने की। तो मैंने क्या किया, मैंने स्टार्ट किया यूट्यूब की वीडियोज़ देखना, फिर मैंने ब्यूटी ब्लॉग्स पढ़ना शुरू कर दिया। तो मुझे एक नॉलेज मिलने लग गई कि हाँ, ये वाले प्रोडक्ट्स मुझे लेने चाहिए और ये वाले प्रोडक्ट्स मेरी स्किन के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे होंगे। तो फिर मैंने शॉर्टलिस्ट किए कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो मैं अपनी वैनिटी बॉक्स में रखना चाहती थी। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो आपके वैनिटी में ज़रूर होने चाहिए अगर आपकी शादी होने वाली है, या फिर आप बिगिनर्स हैं, आपको मेकअप के बारे में इतना नहीं पता। गाइज, मैं आपको हर कैटेगरी में एटलीस्ट 2 प्रोडक्ट्स रेकमेंड करूंगी, या किसी कैटेगरी में 1 प्रोडक्ट भी है। और मैं ये नहीं कहती कि यही किट है जो आपके लिए अल्टीमेट होगी, इसके अलावा कोई और प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं हैं। इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत अच्छे हैं, जो मैं भी यूज़ करती हूँ, बट मैं इस लिस्ट को रखना चाहती थी शॉर्ट, ताकि आपको सिलेक्शन में ज़्यादा परेशानी ना हो। तो गाइज, जो भी प्रोडक्ट्स मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी वो ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, एंड ऑफ कोर्स दे आर लव्ड बाय मी। और ज़रूरी नहीं है कि सारे प्रोडक्ट्स चीप हैं, इसमें कुछ मिड रेंज के प्रोडक्ट्स भी हैं, बट आई वांटेड टू मेक श्योर कि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए प्रोडक्ट्स की। तो गाइज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसिडर मेकअप एज एन इन्वेस्टमेंट एंड नॉट एन एक्सपेंस, क्योंकि आप एक अच्छा प्रोडक्ट ले लें, चाहे वो थोड़ा महंगा हो, बट वो अच्छा प्रोडक्ट होगा, बजाय इसके कि आप सस्ते प्रोडक्ट ले लें और बाद में आपकी स्किन को वो हार्म करे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इंश्योर करें कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो, आपकी स्किन को किसी भी तरीके से वे हार्म ना करे। तो गाइज, आई थिंक इंट्रो काफ़ी लंबी हो चुकी है, एम सॉरी फॉर दैट। तो बिना किसी देरी के अब शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट कैटेगरी इज प्राइमर। ये बहुत ज़रूरी है, आपको एक अच्छे प्राइमर में इन्वेस्ट करना चाहिए, आपके मेकअप को बहुत ही अच्छा एक बेस देगा और आपके मेकअप को हेल्प करेगा लॉन्ग लास्टिंग बनाने में। सो आई हैव 2 रेकमेंडेशंस फॉर प्राइमर्स। तो गाइज, फर्स्ट है ये लैक्मे का प्राइमर। इट इज़ अ वेरी गुड प्राइमर, आप इसको रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं और ये आपके मेकअप को देगा एक स्मूथ फिनिश। और ज़्यादातर ये नायका पे आपको डिस्काउंटेड रेंज पे अवेलेबल हो जाएगा, तो यू शुड चेक इट आउट फॉर योरसेल्फ। एंड दिस नेक्स्ट इज फेसेस अल्टीम प्रो परफेक्टिंग प्राइमर। इट मेक्स योर मेकअप सिट सो वेल ऑन योर फेस एंड इट ब्लर आउट इनपरफेक्शंस एंड पोर को बहुत अच्छे से कवर करता है, तो यू शुड चेक इट आउट, ये एक बहुत अच्छा प्राइमर है। नाउ कम्स द फाउंडेशन। आप सबको पता ही है कि फाउंडेशन कितना ज़रूरी है आपके स्किन को इवन लुक देने के लिए, और ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना फाउंडेशन बहुत अच्छे से सिलेक्ट करें, ना ही एक शेड डार्क होना चाहिए, ना ही एक शेड लाइट होना चाहिए, फाउंडेशन आपके स्किन टोन से बिल्कुल मैचिंग होना चाहिए। आप क्या कर सकते हैं, गो इन द स्टोर, आप वहाँ पे चेक कीजिए कि कौन सा फाउंडेशन ऐसा है जो आपकी स्किन के साथ परफेक्टली मैच हो रहा है। तो दैट वुड बी क्वाइट हेल्पफुल कि आपको कौन से फाउंडेशन में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम ऑनलाइन प्रोडक्ट मंगवा लेते हैं, उसके बाद हमें पता चलता है कि नहीं यार, ये तो मैचिंग ही नहीं है, तो बहुत सारी पैसे की वेस्टेज हो जाती है। तो आपको अगर कोई फाउंडेशन न्यू लेना है, आप उसके स्टोर पे ही जाके देखिए और उसके बाद ही सिलेक्ट कीजिए। तो गाइज, आजकल मार्केट में बहुत सारे फाउंडेशंस अवेलेबल हैं, बट आपको इन्वेस्ट करना चाहिए एक अच्छे फाउंडेशन में। सो आई हैव 2 रेकमेंडेशंस फॉर फाउंडेशंस फॉर यू। दिस इज मेबेलिन फिट मी फाउंडेशन। Fit Me is something which is amazing regular foundation. I have been using it for years now. बहुत ही अच्छे से blend हो जाता है और clean look देता है. I highly highly recommend this product to everyone. और मेरा भी product ये ख़त्म हो चुका है, मुझे नया buy करना चाहिए। And this is Faces Canada's Ultime Pro Second Skin Foundation. It is a medium to full coverage foundation. मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यह बहुत अच्छे से blend हो जाता है और आपको एक velvety type का texture देता है. It comes in a dropper packaging and I highly recommend this foundation to you. तो गाइज, जो भी प्रोडक्ट्स मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ, उनके लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो यू कैन चेक इट आउट फॉर योरसेल्फ।
Now let's jump to another category, that is concealers. So I have two recommendations for concealers for you. This is Maybelline Fit Me Concealer. It is a very good concealer. बहुत अच्छे से हाइड करेगा आपके डार्क सर्कल्स को और ये आपको देगा बिल्डेबल फुल कवरेज. अफोर्डेबल भी है तो आपको ज़रूर चेकआउट करना चाहिए. Next is this PAC Spotlight Ready Concealer. This is also an awesome concealer. It is a full coverage concealer and is one of my favorites. Now next comes the setting powder. तो मैं आपको recommend करूँगी सिर्फ एक product जो मुझे लगता है बहुत ही अच्छा है. This is truly the best ever setting powder. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि once you get this product and you are sorted for setting powders. Guys, I'm talking about this Maybelline Fit Me Loose Finishing Powder. I am in the shade Light Medium. ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, आपको हल्की फुल्की कवरेज भी देगा. तो I highly highly recommend this product. आपको इसमें ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए, ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग भी रहता है. And now comes the category of contouring and bronzing. तो गाइज, आई एम ऑनेस्टली नॉट अ बिग फैन ऑफ कंटोरिंग माई फेस. मैं थोड़ी सी हल्की शेडोज क्रिएट करती हूँ और आई लाइक ब्रॉन्जिंग माई फेस. तो उसके लिए आई रिकमेंड यू दिस प्रोडक्ट फ्रॉम शुगर. गाइज, ये है शुगर का सटल समिट पैलेट. इसमें आपको मिलता है एक ब्रॉन्जर, हाइलाइटर और एक ब्लश. ये बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाता है आपकी स्किन पे और बिल्कुल भी हार्श दिखाई नहीं देता. बहुत अच्छा प्रोडक्ट है. By the way, अगर आप करना चाहते हैं contouring to your face, तो आपको मैं recommend कर सकती हूँ Wet n Wild का contouring palette. ये बहुत ही अच्छा palette है. It is affordable and easily available on Nykaa as well. और ये आपको देगा एक subtle and natural look to your makeup. So now comes the category of blushes. तो blushes are very important for newlyweds, क्योंकि नई नई brides को एक flushed cheeks होना बहुत अच्छा लगता है. तो मैं आपको recommend करूँगी two blushes. One is from Maybelline and second is from Sugar. ये है Maybelline Master Flush Creator. बहुत ही पिगमेंटेड और बहुत ही अच्छा ब्लश है. ये बिल्डेबल है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं रेगुलर वेयर पे भी और फंक्शंस पे भी. और इसके ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है कि आप ब्लश कैसे लगाएं, तो वो आप चेक कर सकते हैं. मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. सेकेंड इज़ दिस शुगर ब्लश. ये एक पीच टोन ब्लश है. इसको आप रेगुलर वेयर पे यूज़ करेंगे तो बहुत नेचुरल लुक देता है. तो गाइज, नेक्स्ट कैटेगरी इज हाइलाइटर्स. हाइलाइटर्स भी बहुत ज़रूरी होते हैं ब्राइड्स के लिए. किसी फंक्शन पे जाओ तो वो एक एक्स्ट्रा सा ग्लो होता है फेस पे, वो बहुत अच्छा लगता है. मैं आपको रेकमेंड करूँगी टू हाइलाइटर्स. वन इज़ फ्रॉम शुगर एंड सेकेंड इज़ फ्रॉम मी ऑन. दैट इज़ वेरी अफोर्डेबल एज वेल. ये है शुगर का पैलेट जिसमें आपको हाइलाइटर भी मिलता है. ये बहुत ही पिगमेंटेड है और एक सटल शाइन देगा आपके फेस को, एक ग्लो देगा आपकी चीक्स पे, आपके नोज पे. तो आपको ये पैलेट ज़रूर ट्राई करना चाहिए. सेकेंड इज़ दिस मियॉन हाइलाइटर. ये भी एक बहुत अच्छा हाइलाइटर है, पिगमेंटेड है और अफोर्डेबल भी है. लोकल स्टोर्स पे आपको ईजिली अवेलेबल होगा, तो आप ये भी ले सकते हैं अफोर्डेबल ऑप्शंस में. गाइज, नेक्स्ट कैटेगरी इज लिपस्टिक्स. आप एक न्यूली वेड ब्राइड हो तो आपको एक रेड, पिंक और ऑरेंज तो एक मस्ट हैव्स होते ही हैं. उनके अलावा मैं आपके साथ शेयर करूंगी 4-5 ऐसे कलर्स जो आपकी वैनिटी में ज़रूर होने चाहिए और वो बहुत अच्छे लगते हैं. दिस लिपस्टिक इज़ फ्रॉम Maybelline. दिस इज़ टच ऑफ स्पाइस. ये एक न्यूड पिंक शेड है. आप इसको रेगुलर वेयर पे यूज़ करें, बहुत अच्छा लगता है. नेक्स्ट इज़ दिस नायका क्रीमी मैट एंड इन दिस शेड इट्स अ डेट. ये एक प्लम शेड है, एक रेगुलर वेयर शेड है. बहुत अच्छा लगता है किसी फंक्शंस पे भी अगर आप इसको अप्लाई करें. एंड दिस लिप कलर इज़ अफोर्डेबल एज वेल. नेक्स्ट इज़ दिस Maybelline लिप ग्रेडेशन. इट्स इन द शेड मॉव 1. ये एक रिट्रैक्टेबल क्रेयॉन है. बहुत ही स्मूथ एप्लीकेशन है इसकी और बहुत ही पिगमेंटेड है. इट्स अ न्यूड शेड और ये मेरा फेवरेट है. मैं इसको डेली वेयर पे बहुत यूज़ करती हूँ. नेक्स्ट इज़ दिस वेट एंड वाइल्ड इन द शेड डार्क वाइन. ये एक ग्लॉसी शेड है और बहुत अच्छा लगता है व्हेन यू वेयर इट फॉर सम फंक्शंस और अफोर्डेबल भी है. नेक्स्ट इज़ दिस Maybelline सुपर स्टे इन द शेड वॉयजर. दिस इज़ अ लिक्विड लिपस्टिक विच स्टेज फॉर मोर देन 12 hours. गाइज, फंक्शन पे ज़्यादातर मैं ये शेड यूज़ करती हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत सूट करता है और आपकी इंडियन स्किन टोन पे ये कलर बहुत सूट करेगा. तो यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट फॉर योर सेल्फ.
माई लास्ट रिकमेंडेशन इज़ दिस LA 18 कलर पॉप इन द शेड पिंक शो. ये एक मैट लिप कलर है, ये काफ़ी अफोर्डेबल है. आई थिंक ये आपको 100 रुपीज़ की रेंज पे मिल जाएगा. तो अगर आप ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो आप ये वाले लिप शेड्स ले सकते हैं. इस रेंज में बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं, तो यू कैन चेक इट आउट. एंड द लास्ट कैटेगरी फॉर टुडे इज़ ब्यूटी ब्लेंडर्स एंड ब्रशेज. मेकअप ब्रशेस बहुत ही ज़रूरी हो जाते हैं आपके मेकअप को एक अच्छा लुक देने के लिए, क्योंकि एवरीथिंग यू कैन नॉट डू विद योर हैंड्स ओनली. तो ब्रशेस जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं. तो आई हैव रिकमेंडेशंस फॉर ब्रशेस एज वेल. दीज आर द ब्यूटी ब्लेंडर्स जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं आपके फाउंडेशन को ब्लेंड करने में. इस छोटे से ब्लेंडर से मैं ब्लेंड करती हूँ अपना कंसीलर, और इस ब्लेंडर से मैं ब्लेंड करती हूँ अपना फाउंडेशन. बहुत अच्छे से और बहुत क्लीन लुक देता है. इस ब्यूटी ब्लेंडर से भी मैं अपना फाउंडेशन ब्लेंड करती हूँ, और ये अंडर आई एरिया पे बहुत अच्छे से वर्क करता है. तो आई यूज़ इट फॉर कंसीलर एज वेल. नाउ दीज आर द ब्रशेज विच आर द एग्जैक्ट ड्यूप ऑफ वेट एंड वाइल्ड ब्रशेज फॉर फेस एंड आई मेकअप. मैंने इसे बाय किया था शीन से फॉर 850 रुपीज़. बहुत ही अफोर्डेबल हैं, बहुत ही सॉफ्ट ब्रिसल्स हैं और ओरिजिनल ब्रशेज की तरह ही लगते हैं. दिस इज़ अ पाउडर ब्रश. सेटिंग पाउडर आप अप्लाई कर सकते हैं पूरे फेस पे. दिस इज़ ऑल्सो अ पाउडर ब्रश अंडर आई एरिया पे सेटिंग पाउडर लगाने के लिए. This is angular brush. This is specially for bronzing. ये वाला ब्रश आप यूज़ कर सकते हैं कंटोरिंग के लिए. बहुत ही प्रिसाइज कंटोरिंग करेगा. This is a blush brush. तो इससे आप ब्लश अप्लाई कर सकते हैं. This is a highlighter brush. तो इससे आप हाईलाइटर अप्लाई कर सकते हैं. ये है ब्रशेस फॉर आई मेकअप. ये है ब्लेंडिंग ब्रश, बट ये अच्छे से ब्लेंड नहीं करता है. तो मैं इसे यूज़ करती हूँ हाईलाइटर के लिए, अपने नोज़ को हाईलाइट करने के लिए. सेकेंड इज़ दिस पैटिंग ब्रश. इससे आप अपनी आई लिड के ऊपर आई मेकअप अप्लाई कर सकते हैं. थर्ड इज़ दिस ब्लेंडिंग ब्रश. ये बहुत अच्छे से ब्लेंड करता है आपकी ट्रांजिशन कलर्स को. एंड लास्ट इज़ दिस पेंसिल ब्रश. इससे आप अपने आई की आउटर वी को हाईलाइट कर सकते हैं. तो गाइज, वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो. मैंने इस वीडियो में आई मेकअप या आई प्रोडक्ट्स कोई भी मेंशन नहीं किए हैं. मैं इनको मेंशन करूंगी अपनी अगली वीडियो में, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं. और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा. एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल. एंड डू हिट द बेल आइकन ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहें. आई विल कम अप विद अनदर वीडियो जिसमें मैं आई मेकअप के बारे में आपके साथ कुछ शेयर करूंगी और कुछ प्रोडक्ट्स आपको रिकमेंड करूंगी. तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर चेकआउट कीजिएगा. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.